हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है। आज मैं बिना प्याज लहसुन की एक सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप किसी भी पर्व में, त्यौहार में, पार्टी में, फंक्शन में बना सकते हैं। एक तरह से यह मिक्स वेज की रेसिपी है, लेकिन बिहार में यह बहुत ही फेमस है। इसे डलना बोलते हैं, यानी कि बिहार का सबसे फेमस सब्जी की रेसिपी, वेजिटेबल रेसिपी डलना। डलना को हर त्यौहार और फंक्शन में, पार्टी में, शादी में, जनेऊ संस्कार में, मुंडन में, हर पार्टी में डलना बनता ही है। डलना के बिना पार्टी अधूरा। तो आज हम इस डलना की रेसिपी को आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी इसे अपने घर पर बनाइए और इसके स्वाद का लुत्फ उठाइए। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप अच्छी तरह से इसे बना पाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस सब्जी का जो कलर है और इसका जो टेक्सचर है, देखने से ही लग रहा है कि यह बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस है। देखने में जितना ही अच्छा लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। हम लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और अक्सर बनाया करते हैं, तो आज आप भी इसे ट्राई कीजिए और इसका लुत्फ उठाइए। इसे बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियों को मिक्स करके तैयार करना है, जैसे कि मैंने लगभग 200 ग्राम परवल ले लिया है, 100 ग्राम गोभी, 100 ग्राम कद्दू, एक टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक लेंगे और 2 आलू लेंगे और 1 परवल। आपको काट कर दिखाते हैं कि परवल को किस तरह से काटना है, किस तरह से छिलना है। तो आप देखेंगे कि मैंने परवल का छिलका नहीं उतारा है, केवल इसके ऊपर जो ग्रीन परत होती है उसको निकाला है। इस छिलका को मत निकाले, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो छिलका के अंदर ही होता है, तो इसीलिए हमें इसका छिलका नहीं उतारना है, केवल इसके ऊपर जो ग्रीन परत होती है उसको हम नाइफ से हल्का हल्का रब करेंगे तो इस तरह से निकलेगा। और इसके बाद से आपको दोनों तरफ से इसकी डंठल थोड़ा थोड़ा सा काट देना है और इसके बाद हम इसे 2 टुकड़े कर लेंगे। इसे हम ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, केवल 2 टुकड़े करेंगे और इसमें 2 कट लगा देंगे ताकि यह 4 टुकड़े बन जाएंगे, अच्छी तरह से इसमें ग्रेवी जा सके और इसका फ्लेवर जो है ग्रेवी में अच्छी तरह से समा सके। तो बस इस तरह से काटने के बाद हम एक बार इसे पानी से वॉश कर लेंगे और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें एक पैन चाहिए और पैन में मैंने 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल गर्म होने के लिए दे दिया है। और जैसे यह गर्म होगा तो सबसे पहले हम इसमें परवल डालेंगे। सभी सब्जियों को मैंने वॉश कर लिया है, तो अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले परवल डालेंगे और परवल को अच्छी तरह से फ्राई करके हम इसे निकालेंगे। इसके बाद दूसरी सब्जी फ्राई करेंगे, तो हम एक एक करके फ्राई करेंगे और इसको परवल को डालने के बाद एक बार चला देंगे और इसके ऊपर लिड डाल देंगे। तीस सेकेंड बाद लिड हटाएंगे, मिक्स करेंगे, फिर से लिड डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, ज़्यादा फ्लेम में फ्राई नहीं करना है वरना यह जल सकता है। चारों तरफ से जब परवल हल्का सा फ्राई हो जाए, इस तरह से कलर जब निखरने लगे, तब आप इसे निकाल लें। अब हम गोभी डालेंगे और गोभी को भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। गोभी फ्राई हो चुका है तो इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले कद्दू डालेंगे और फिर इसके साथ आलू भी डाल देंगे। इन दोनों को भी मिक्स करके फ्राई करेंगे, लिड डालकर धीमी आंच पर पकाएंगे और जब यह अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। सब्जियां फ्राई हो चुकी है, अब हम सब्जियों का तड़का देंगे। तड़का के लिए लगभग 1/4 कप सरसों का तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब 2 तेज पत्ता डालें, 1/2 चम्मच पंचफोड़न डालें। पंचफोड़न में जीरा, मेथी, कलौंजी, अजवाइन और सौंफ, इन पांचों को मिक्स करके जो तैयार होता है उसे पंचफोड़न कहते हैं, यानी कि पांच फोड़न कहते हैं। इस सब्जी में हम पंचफोड़न का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने 1/4 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ा सा मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, इन सभी को मिक्स करेंगे और इस तड़का में, इस तेल में डाल देंगे। पंचफोड़न डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे चटकने दें। इसका कलर जब ब्राउन होने लगे तब हम इसमें हींग डालेंगे। हींग डालकर मिक्स करें और इसके बाद मैंने 1 इंच अदरक और 2-3 हरी मिर्च को काट लिया है।
सबसे पहले अदरक डालेंगे, मिक्स करेंगे और गैस थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर देंगे, यानी कि 30 सेकंड के लिए गैस ऑफ़ कर देंगे। इसके बाद हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। हरी मिर्च को 30 सेकंड पकने दें। सब्जी की ग्रेवी अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप एक दो टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिससे ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। टोमेटो डालकर मिक्स करेंगे, लिड डालकर पकाएंगे। 30 सेकंड बाद फिर से इसे हम ढक्कन हटाकर मिक्स करेंगे, फिर से ढक देंगे। इसी तरह से लगभग हम 1 से 1.5 मिनट इसे पकाएंगे और आप जब देखेंगे कि टोमेटो सॉफ्ट होने लगा है तब हम इसमें मसाला डालना शुरू करेंगे। मसाला के लिए मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच देगी मिर्च मसाला। सबसे पहले हल्दी को टोमेटो में डालेंगे और मिक्स करेंगे। हल्दी डालकर 1/2 चम्मच नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। फिर हम लाल मिर्च पाउडर और देगी मिर्च मसाला डालेंगे। इन दोनों को डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लगभग 20 सेकंड पकने देंगे। और अब हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लिड डालकर धीमी आंच पर लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे। इतने देर में मसाला फ्राई हो जाएगा। 30 सेकंड पकाने के बाद हम एक बार इसे मिक्स करेंगे और फिर से लिड डालकर पकने के लिए छोड़ देंगे। पकते हुए जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए तो आप देखेंगे कि मसाला से तेल छूटने लगा है, तो टोमेटो को थोड़ा मैश कर दें और इसके बाद फ्राई किया हुआ सब्जी भी इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से लिड डालकर 30 सेकंड पकाएंगे। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, क्योंकि पहले हमने मसाला के हिसाब से नमक दिया था और अब इसमें हमने सब्जियां मिक्स की है तो सब्जियों के हिसाब से भी नमक डालेंगे। नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे लिड डालकर 30 सेकंड पकाएंगे। इस तरह से फ्राई करते हुए पकाते हुए जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए, अगर सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट होने लगे, मसाला से तेल छूटने लगे, तब आप इसमें अपने आवश्यकता अनुसार 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दें। इतनी सी सब्जी को आप 4 से 5 लोगों में सर्व कर सकते हैं और अपने चॉइस अनुसार ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना आपको ग्रेवीदार बनाना हो उस हिसाब से ग्रेवी डालें और इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकने दें। पकते हुए जब 1-1.5 मिनट हो जाए, आपको लगे कि सब्जियाँ सॉफ्ट हो चुकी है, तब आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। 1/2 चम्मच गरम मसाला मिक्स कर देंगे और मैं देख रही हूँ कि मेरी सब्जी का पानी सूख गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी और इसे मिक्स करके इसे फिर से पकने देंगे। पकते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुका है, तेल ऊपर आने लगा है, सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी है, ग्रेवी सब्जियों में मिक्स हो चुका है, तो सब्जी का टेक्सचर बिल्कुल सही है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही तैयार हो चुका है। दाल की पूड़ी और खीर के साथ इसे सर्व किया जाता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, खाने वाले बहुत ही खुश होकर चाव से इसे इंजॉय करते हैं। तो इसी तरह से डलना आप अपने घर पर तैयार करिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।